डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज हम विज़िट करेंगे माई कमरो मॉस्क एंड मुकर्रब खान के मकबरे का, जो कि दरिया सवां के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है और किला हरवाला के अपोजिट साइड पे वाक़ है। तो आइए चलते हैं इन दो अहम जगहों पर। डियर व्यूवर्स, अभी हम किला से निकलकर किला के दूसरी साइड पे, ये जो एरिया है किले वाली साइड है दरिया की उस पार, और दरिया के दूसरी साइड पे हमें एक और अहम और एक हिस्टोरिकल और बहुत पुरानी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है माई कमरो मस्जिद। और ये उसमें मुझे कुछ कब्रें नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, और ये भी अभी इन पे लिखा तो कुछ नहीं है लेकिन बज़ाहिर लग ये कब्रें रही हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और ये सारी बीच में कुछ कब्रें जो है ना वो गुम हो चुकी हैं, मतलब डिमोलिश हो गई हैं, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कब्रें अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी कब्र है इस जगह पे, माई कमरोज की मस्जिद की हाथे में। और मुझे लगता है कि इस पे अभी कोई रेनोवेशन का या इनको रिस्टोर करने का कोई प्लान चल रहा है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द खुदाई वगैरह हो चुकी है। और ये भी छोटी छोटी मस्जिद कब्रें हैं, ये मुझे लगता है कि किला के ही बासियों की कब्रें हैं। ये एक और बड़ी कब्र है, और ये सामने कमरोज मस्जिद है। इन कब्रों पे लिखा कुछ नहीं है, खतबा वगैरह नहीं है। ये मस्जिद का सहन है, मस्जिद नहायत ही खस्ता हाल है, लेकिन इसकी रेनोवेशन पे अभी काम चल रहा है क्योंकि ये एक बहुत पुरानी मस्जिद है। डियर व्यूवर्स, आपको बताता चलूं कि इस मस्जिद को इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मस्जिद होने का आजाज भी हासिल है। ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनके दफ्तर वगैरह हैं, उनके बैठने की जगह है, जो इस पे रेनोवेशन वगैरह में काम कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आपको बताता चलूं, ये महकमा आसार कदीमा और म्यूज़ियम वालों के रहने की जगह है, जिन्होंने इस जगह को अभी रेनोवेट कर रहे हैं, और इन्होंने ही इस जगह को कुछ अर्सा पहले दरियाफ्त किया था। पहले ये दोनों जगहें मुकर्रब खान का मकबरा और माई कमरो की जो मस्जिद है, ये दोनों झाड़ियों में और ज़मीन में छुपे हुए थे। पहले इस जगह का किसी को पता नहीं था, फिर इन्होंने ये दरियाफ्त करके अभी इसकी रेनोवेशन पे काम शुरू किया हुआ है। और ये मतलब अनकरीब इस इंशाल्लाह ये दोबारा रेनोवेट होके फिर एक अच्छी कंडीशन में दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगी। डियर व्यूवर्स, अभी हम बढ़ रहे हैं मुकर्रब खान मकबरे की तरफ, जो कि माई कमरो मस्जिद के साथ वाक़ है, और ये भी दरियाए सवां के दूसरे एंड पे है, दूसरे किनारे पे है। एक किनारे पे किला है और दूसरे किनारे पे ये दो चीज़ें हैं, माई कमरो मॉस्क और मुकर्रब खान का मकबरा। तो अभी हम बढ़ रहे हैं मुकर्रब खान के मकबरे की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं उसके। ये भी एक हिस्टोरिकल मकबरा है, बहुत पुराना मकबरा, जिस पे भी रेनोवेशन का काम अभी चल रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। डियर व्यूवर्स, आपको बताता चलूं, मुकर्रब खान के बारे में कहा जाता है कि ये कखड़ों के इस सल्तनत के आखिरी शहनशाह थे, आखिरी सुल्तान थे या आखिरी सरदार थे। तो डियर व्यूवर्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं मुकर्रब खान के मकबरे पर। हम इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।
और आपको बताता चलूं कि इसकी भी रेनोवेशन चल रही है और इसके अंदर भी ये काफ़ी सारी ये जो नज़र आ रही हैं आपको ये कब्रें हैं जो इसके हाथे में लोग मदफून हैं, लेकिन इनके ऊपर तख्तियां वगैरह या कोई निशान वगैरह नहीं है कि ये किन की कब्रें हैं। आइए अभी मैं आपको इसका एक चक्कर दिलाता हूँ। ये इसका मशरकी दरवाज़ा है। अच्छा, इसके अंदर है कुछ नहीं है, फिलहाल खाली है। इस पे भी अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये पीछे भी कब्रें हैं कुछ, ये भी कब्र का कोई पत्थर है, ये भी कब्र का पत्थर है। ये इसकी बैक साइड तो नहीं है, दूसरी साइड है। कब्रों के बीच में से गुजर रहा हूं। ये इसके साथ कोई बारादरी या उसके बैठने की जगह है लोगों के, और ये इसके बरूनी व्यू हैं। यहाँ पर कोई बैठने की या मतलब आराम करने की ये बारादरी कह लें या रेस्ट एरिया कह लें, ये इसके साथ टॉम्ब के साथ वाक़ था। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त भी था जो अभी काट दिया गया है, और इसके नीचे एक पानी का कुआं वगैरह लग रहा है मुझे। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी का कुआं था। ये बाहर वाला दरवाजा है। डियर व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि दो हिस्टोरिकल प्लेसेस की थी, जिसमें माई कमरों की मस्जिद और मुकर्रब खान का मकबरा शामिल थे जो कि अभी अंडर रेनोवेशन है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी तैयार हो जाएंगे तो फिर दोबारा कभी इस पे चक्कर लगाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।